और अब आपके सामने अशराक मेहमान जाकिर जाकिर अहले बैत सैयद अली रजा शाह साहब फजाइल व मुसाइब मोहम्मद आले मोहम्मद बयान फरमाएंगे। بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم كل ولي كل حجت ابن الحسن علیہ الصلوۃ والسلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا عطا تسکنہ ارزقتن وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد رب صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد رحیم اللہ کریم اللہ واسطے محمد و آل محمد دا پاک مجلس اذان و قبول تے منظور فرما میرے مالک وائیں تنے پاک دی عزت عظمت دا واسطے ہی جڑے رات دے اس وقت گھراں دی آرام چھوڑ کے اس گرمی چائے بیٹھے نے اگر کوئی مقروض ہے تو مالک قرض ادا فرما اگر کوئی تنگ دست ہے تو مالک تنگ دستی دور فرما اگر کوئی پریشان ہے تو پریشانی دور فرما اگر کوئی بے اولاد ہے تو اولاد نرینہ عطا فرما بانی مجلس دے عزت رزق بخت وچ اضافہ فرما انہاں دے مرحومین دے درجات بلند فرما جتنے بیٹھے مالک تواڈے مرحومین دے درجات بلند فرماوے تمام دعاواں دی قبولیت دی خاطر صف دی قبولیت دی خاطر اور باہر میں آقا دی آمد و سلامتی دی خاطر خلوص نال بلند آواز نال صلوات پڑھ نعرہ تکبیر گرمی ہے جی تواڈا بہ جانا وی عظیم عبادت ہے رات دا کافی حصہ بیت گیا سفر میرے نال جلدی کرو خالق اکبر دنا بلند اللہ علی دا وی خالق یک زبانوں کے تائید فرما دیو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت صاحب لو نعرہ حیدری یک زبانوں کے بولو حیدری حسینیت یزیدیت قاتلان حسین تلانت پاک سید آدا دل دکھانا لیاں تلانت مل کے بواز بلند صلوات پڑھ ہے جی اجازت ذکر پاک شروع کریے ایک مرتبہ بلند آواز نال صلوات پڑھو تاکہ پتہ لگے ذکر پاک جاری ہے سارے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي نور قلوبنا بمصائب الحسين الصلوات اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من زار الحسین فی حیاته انی ازوره فی یوم القیامہ صلوات دعا ہے مالک کائنات ٹھیک ہے جی آتے بڑا سن قدم قدم عبادت شمار فرماوے جتنے جتنے قدم چل کے دور نزدیک توں رات دے اس وقت صفی ذات تشریف لے یو دلی دعا ہے وارث زمان امام قدم قدم تے میرے توڑے کبیرہ و صغیرہ گناہ معاف فرماوے وعدہ وفائی ہو گئی جناب دے چہریاں دی زیارت ہو گئی ہے اجازت ہوں میں گفتگو شروع زبان چوں نکلے الفاظ جڑی زبان اللہ دے حکم دے بغیر نہیں بول دی گرمی ہے جی
मैं तुहाडी तादाद वेखनी नहीं, क्यों? मैं हुसैनी हाँ। हुसैनी तादाद पसंद नहीं आता, वह ज़र्फ पसंद आता। हूँ जो बंद ना कि मजमा थोड़ा नहीं, इमाम हुसैन की मजलस मजलस ही होंगी है। और यूसुफ शाह जी भावें दस बंद हो भावें दस हज़ार ही हो, आमदा इमाम बारगाह के अंदर फूड़ी तो उ बंद है जिदे ते जनाबे ज़हरा राजी होंगे। कुछ बंद मुकद्दर ही फूड़ी नहीं आती, ठीक है। जेडे आ गए मेरे वास्ते वह काफ़ी हो, मैं अपनी ड्यूटी करना, तुसी अपनी करो। भाई चांद का हुक्म आई तो मैं जनाब दे सामने हाजिर हो गया, तो मेरा दिल है मैं हुण मुख्तसर करा, लेकिन इतना भी नहीं कि खयानत ना हो जाए। मौके की मुनासबत नाल एक पैगाम मैसेज जनाब तक मैं पहुँचा जावा कि जिस जुबान चो अल्लाह बोलदा उस जुबान चो निकलिया मनजारल हुसैना फी हयाते ही इन्नी अजूरहु फी यौमल कयामा। थोड़े समझोगे लेकिन जेडे समझ जाओगे उन्होंने वास्ते जिंदगी का एक तोहफा है। नबी फरमा रहे ने जेड़ा मेरे हुसैन की जिंदगी च एक बारी ज़ियारत करे, चाहे वह जवार शाजी काठ हिजरी तो पहले वे, चाहे वह जवार इकाठ हिजरी तो बाद, एक बारी जवार बने सही। अगे की फरमा रहे ने इन्नी अजूरहू फी यौमल कयामा, फरमा रहे ने मदाने माशर रश भी बड़ा होगा, भीड़ भी बड़ी होगी, ए गर्मी कुछ भी नहीं, सवा गज नेजे ते सूरज होगा। नबी फरमा रहे ने उस रश भीड़ और गर्मी च मैं पुत्र हुसैन दे जवार नू तलाश भी करांगा, उदा शुक्रिया भी अदा करांगा, तेरी मेहरबानी तू मेरे हुसैन दी जियारत। अरबाई ने गोया जोशे खिताबत ना होवे लेकिन मौके की मुनासबत ना लिख दो जुमला हो जाए। हर कोई हुसैन की जियारत आले पासे टुरे है। अगर जनाब की तवज्जो वे एक फरमान होर आखा, शिया सुनी तो बह जाणो दा अज़ीम इबादत है, शिया लाजमी बोले इमाम हुसैन दा ही फरमान है। उन्हें कहा जेड़ा मैं हुसैन की एक बारी जियारत करेगा मैं हुसैन टुर के उदी जियारत करांगा। बोलो जिन्होंने समझ आ रही है, गर्मी च बैठे जो है मैं सदके होवां, जेड़ा एक बारी जियारत करे मैं हुसैन उदी टुर के जियारत करांगा। फिर मासूम फरमाया याद रखे जमाना जिस करबला हुसैन की जियारत की थी, वो इंजे समझे मैं अल्लाह की जियारत कर रही। क्या माहौल है यार मजलस दा, मैं सदकी हूं। जिस करबला अल्लाह की जियारत हुसैन की जियारत की थी, उस इंजे समझे जिमें अल्लाह की जियारत कर। छेवें इमामिया थे एक फरमान है, मेरा इमाम अद अल्लाह जिस बंदे को हदायत देना चाहता है उसके दिल में जवारिये हुसैन का शौक डाल देता है। मेहरबानी। क्यों मौजू मैं चुने इस वास्ते चुने, जेडे नहीं जा सके उन्हें परेशान नहीं होना। आज की मजल से जेडे गर्मी च बह गए, वाकई गर्मी बड़ी है, जेडे बह गए उन्होंने वास्ते एक तोहफा है। देखना तुसी तोहफा किवें वसूल कर दे है, तो जो मैं जनाब के जहन से बोझ तो नहीं बनता पाया। मौजू पसंद आया जवारी हुसैन के नहीं आया? हाँ थोड़ा जहा मेरे नाल हो, हाँ करना जी मेहरबानी करनी। मैं पहली आगे मैं थोड़ी तादाद से वेंदी नहीं पाया, मैं तो इमाम हुसैन की साफ पाया वेना, तो हूँ जो उस गल वेखी है जान शाह जी से जिनी क गर्मी है, यूसुफ शाह जी जिनी क गर्मी है इन्हों का बह जाना भी अजीम इबादत, लेकिन ऐ दनाई हुसैन है। मातमी पे मौसमों का क्या असर, मातमी का साहिबा हुसैन है। या मैं सदकी हूं, मेहरबानी। मातमी पे मौसमों का क्या असर, गर्मी हार गई हुसैन जीत गया। अपना कोई नहीं बहन, कोई मरिया हो ना इंज गर्मी च कोई नहीं बहन। ऐ दनाई हुसैन तुझे भी थोड़ा एहसास किया करो, इतना खर्चा कर दो, चार पांच पखे यार मोमना वास्ते लवा दे विया करो, इमाम हुसैन तुहानू वसदा रखे। लो जी मैं अपने मौजू तो दूर नहीं, हूँ माहौल बेहतर हो गया जी, ना आना ईसाई कट के आ गए ने। नबी को पूछा गया बादशाह के जवारियो हुसैन का सवाब कितने,
है जवारीए भाईजान जवारीए हुसैन का सवाब कितने पता नहीं किसी वास्ते गल है या नहीं मेरे वास्ते तो बहुत बड़ी है। नबी फरमाया जिहड़ा एक बारी चौखट दा हुसैन दा सलाम करे उसनु 70 मकबूल हजां दा सवाब है। बोलो बोलो जिन्हां नू समझ आ रही। जिहड़े नहीं बोल सके मैं की आख्या 70 मकबूल मकबूल ने पास ने कबूल ने बल्कि कबूल तो उत्ते डिग्री है मकबूल मेहरबानी मकबूल हुण मकबूल दी मैं तुहाडे सामने तारीफ करां तो उदा ही बनदा है ओ नहीं जिहड़ा असीं तुसीं कर रहे हां। सानू पता पिछली उम्र हज दा चाह चोखा चढ़दा है पेट्रोल पंपां ले ज्यों पेट्रोल महंगा हुंदे आउंदा 7 दिन आवाम नूं खज्जल करके प्रॉफिट लैके फिर जनाब मालक साहब हज ते टुर जांदे ने सारी जिंदगी सूद नूं प्रॉफिट दा नां दे के भाजी सूद दा काम करके तुहानूं आख्या प्रॉफिट पढ़िया लिखा मंत की फराट बोलदे कोई नहीं तुसीं पे अला बोलो ना बोलो मैं अदू भी खुशक गल्लां करांगा जे जशीली मैं को नहीं जे करनी मैनू पता है तुसीं चेलम दी साफ ते बैठे मैं तुहानूं कुछ दे के जाने मैं इमाम हुसैन को लैके खाना ते मैं खयानत कोई नहीं करनी तुसीं बोलो ना बोलो मैं इंज दी ही करनी आ जे जिड्डे पीड़े होंदे जाओगे उतना लंबा होंदा जाऊंगा। नहीं यार वो तो फिर इन्होंने नहीं मैं मोमना तो नहीं ना प्यादा साडा तो मोमना मसकीना तो उल्टा मार दें जी असं इन्हों को लिल भी लैके मैं तो वे पेट्रोल पंपालिया की गल की है ना शाह जी तुम तो लै दे गए की करते यार लो जी तवजो साहबान देखो जी सारे वास्ते दीन तो एक ना साढ़े वास्ते वक्रा तो नहीं वो कोई भी करे भावें साढ़े चु करे जे किसी खज्जल करके प्रॉफिट लेंदे तो उसके प्रॉफिट का फायदा कोई नहीं वो भावें कोई भी है। चलो जो उस पास आम दे हुण तुहाडा दिल है कि अगू मैं इत्थे ना आवां लेकिन मैं तो हुण अगर सच्ची करनी है ना भावें मैं या यार मेरी भी कबूल ने। अच्छा पता नहीं जादेरा भी पाक है या नहीं बुरा तो नहीं मना गए अच्छा चंगा किया जे आख्या नहीं जे आंदे हो तो मैं फिर लाने आ 2 मिनट ठीक है मीडिया से जाती है दूर तक आवाज जाती हुण पता नहीं जादेरा भी पाक है या नहीं समाने सफर जायज़ है या नहीं नहीं इंज नहीं तुसा समझना पिंड दे रहण वाले हाजी आया कदी मिलन गए हो मेरे हां तुहाडे च रिवाज ही कोई नहीं वो बोलो तो सही थोड़ा जा यार हाजी नूं मिले हो कि नहीं बच्चा भी समझेगा जे मेरे नाल थोड़ा जा तामन करोगे हाजी नूं मिलन जाइए जम जम लब्भा जे कदी है हुण मेरा उत्थे कासम खां कोट कासम खां कोटला कासम खान खून माफ है मैं लिख दिना कोई बंदा उठ के बाबा जी तुसी ते बुजुर्ग हो तुहाडे हत्थां च असी जम्मे पले कोई बंदा मैनू साबित कर दे कि कदी किसे हाजी स्टील या शीशे का गिलास बार के किसे ने दिता होवे एवे खुशारा किया जे मैं कमर मछियाणी आखरी ओ खैबर पख्तून खान तो किथे किथे मियाली जाके हर मुलक दे कोने च पुछिया तो उन्हें इंज इशारा किया ऐ 3 लीटर की बाल्टी होंदी है 6 साल मुकदी नहीं जूं नेड़े लगदी आदे ने भरो जम जम और पाओ पानी आ वो फिर बड़ा इंज जनाब किबले अल मुंह करके फिर छंडदे ने मैं एक ही बंदे ने छंडिया मैं आख्या छड़ दे हुण की कढ़ना की कितनी दा दे कितनी दवाए उठ जाए वह बंदा बिशक जाके हवा ले पखे थे बोवे उदा आया टुर आया कबूले जिहड़ा इस जुमले ते ना बोलिया मैं समझांगा वह मेरे नाल राजी नहीं सर चाणा वह मैं क्या की पिया कढ़ने छड़ दे उस आख्या जिहड़ा एक कतरा ना वह हलक च टुर जाए चंगा क्यों ये मिनालियां दा लंगरे ते लंगरे च हुंदी है शफा मैं क्या उठ मुल्ला मुक साडे नाल जे मिनालियां दे लंगर जम जम शफा है अल्लाह करबलालियां दे लंगरे हुसैन ही शिफा ना रखे अल्लाह आदल ही नहीं हुण बोलियो ना या मैं सदकियो मैं सदकियो या मैं बिस्मिल्लाह।
जिथे एक इस्माइल है उत्थे शिफा है, ते जिथे 72 फखरे इस्माइल ने, बोलो यार तुसी भी जे समझ आ रही है, जिथे 72 फखरे इस्माइल ने उत्थे शिफा ना होवे, नाउज बिल्ला आदल ही नहीं। किसी की इमानत जो हूँ जुमला है फिर हाजी खजूर भी देते हैं, बिस्मिल्ला चाचा जी खजूर होंदिया ने कि नहीं, वह फिर बड़े तरामन करते हैं फिर खाते हैं, अला आ ठीक सैकटरी साहब तो लैके आखिरी अजादार तक जोड़ा शी है भाई सार चाहे खजूर भी बड़ी तरामन चुम के मत्थे न ला के राम नाल जुमला आखना बोल के तुसा दसना वजन इस कितना ही मैं ना मुला एडा जे इतराम करना है चुमना भी है मत्थे नाल लाना है शाला तेनों ये भी पता लग जे खजूर आमदी केड़े बाग च ये बाग हसनैन की मां का खजूर मलकियत ही कदी तेनों पता लग जाए मेरे ख्याल ना तू चूमे ना मत्थे नाल लाए ते खजूर ते जम जम दे बाद हाजी साहब फिर सारा सफर सुनाते हैं मैं अपने मौजू तो दूर कोई नहीं ते अखीरी हाजी साहब आते हैं हूँ दुआ करो शाला कबूल हो जाए साबत होया शाके पक नहीं जेड़ा बंदा सफर कर रहा नबी आदि ने जेड़ा हुसैन की चौखट का सलाम करेगा उसनू 70 मकबूल हजां का सवाब है ओ हज ने जेड़े किसी नबी या इमाम की संगत च कीते जा क्या बात है भाई मैं सदके आवां जवारी हुसैन मैं मौजू रखे अज की मजलिस का मैं सदके आवां 7-9 करोड़ बंदे की आवाज़ है कि जेड़ा इस टाइम करबला मौजूद है लो हूँ 2-4 तोहफे ले लो ऐसी है 7-9 करोड़। अगले दिन मैं मंडी बहुत दिन है बुग्गे शौर आंदे इमाम बारगा भी सफर मरकजी इमाम बारगा पढ़िया चिट्टी रीछ वाले बजुर्ग आने तो उन्होंने कहा 14-15 करोड़ पाकिस्तानी अप्रूवल के हवाले जी तस्दीक इस टाइम पे ऐसी बात है तो बाबा जी आदि ने इंडिया के मुताबिक 11-12 करोड़ की फिर अगू जिन्हें जिन्हें मंजूरी है जाना तो उन्हें 7-9 करोड़ बंदा करबला इंटर हो गया। मनु नहीं पता कि मौजू पसंद आया या नहीं, अरबाई ने मैं क्या चलो मैं जवारी हुसैन चुना तो एक दो जुमला जनाब के हवाले करा यार सोचने वाली गल है पता नहीं कौन बोले कौन ना बोले कितने 7 करोड़ कितने 9 मील का खिता जागो कितने 7 करोड़ यार 9 मील लाइए ना तो बजुर्गों को पता है जो पुराना मील है 1.5 किलोमीटर वो 15 किलोमीटर जगह सारी बनती है 16 किलोमीटर बन जाएगी हूँ 16 किलोमीटर के 7-9 करोड़ ने रहना भी है खाना भी है पीना भी है हालांकि अनबिलीवेबल बात है 15 किलोमीटर 7 करोड़ समाया नहीं जाता तो जिमें तुम परेशान हो जो मैं भी परेशान नहीं मासूम का फरमान मिले मेरी परेशानी टुट गई मासूम आदि ने ज्यों ज्यों हुसैन का जवार बढ़ता जाता है अल्लाह करबला की धरती को खुला करता जाता है क्या बात है कोटला कासम खान वाले मैं सदके आवां मैं मुतमिन हो गया अल्लाह अकबर हज तो किन्ने गए ने 5 लाख आ ही हर पासे दस दिन इत्थे करोड़ां च और जेड़े 24-25 गए ने आ किसी अगर खाण नू कोई नहीं किसी ने अगर पीण नू कोई नहीं पता नहीं कौन बोले तो कौन नहीं है तो 7 करोड़ के सामने बंदे आते हैं साढ़े वालों भी खाओ सवेर का खाधा ही किसी ने क्या बात है यार जी मेरी गल तो जिन्होंने नहीं यकीन हूं तो मीडिया का दौर है मोबाइल खोलो सामने तो जेडे 4 साल पहले हाजिया ना हालात होने तो नहीं पता क्रेन डिगी आई उत्थे कि नहीं बंदे मरे आन कि नहीं वो एंकर बैठे उन्हें आख्या सानू समझ नहीं आती इतने 5 करोड़ नहीं पैसा 5 लाख है वो नहीं पैसा बना जो ना बोलिया तकलीफ होगी तजी नगार कमाल कर दी मैं लाइव सुन रहा उस आख्या उत्थे 7 करोड़ दें
मक्खी नहीं पे मरती जी हाँ, बल्कि जिंदगी लेके आमदे। मैंने हुसैन की चौखट पर जीने की दुआ की, हुसैन ने कफन देकर कहा जाओ जीते रहो। मैं बिस्मिल्लाह करा। और तजिया नगार आख्या जिन्या दिल जे गल्लां पे करो फर्क है, सऊदी वाले बद्दू ने, उन्होंने पता ही नहीं मिनालियां दी मेहमान दी या अल्लाह दे मेहमान दी इज्जत किंज करनी है। उन्होंने आख्या करबला लिया नू पता है हुसैन दे जवार दा मुकाम क्या है। हुण मैं इस गर्मी तुहाडे जिहड़े 10-15 मिनट ले ने वो इस जुमले वास्ते ले कि जिहड़े नहीं जा सके उन्हें परेशान नहीं होना। यह तोहफा जिहड़ा गर्मी च बैठे तुहानू मैं मुतमईन करके चला जाऊंगा। मैं किताब च पढ़िया त्रै किस्म के लोग ने जिन्हां दे नामे माल उन्हां दे हाथ च दिते जाणगे, कुछ ओ जन्म सज्जे हाथ च। घबराए तो नहीं जनाब, है इजाजत मैं 2 मिनट की गल कर लवां ना। कुछ ओ जिन्हां नूं खब्बे हाथ च, कुछ ओ जिन्हां नूं कंड वाले पासे। है खब्बे हाथ वाला भी जहनमी बाबा जी, है कंड वाला भी भाई चांद जहनमी भाई जान। बजुर्गो शाह जी दोवे भाई रो रहे हूँ, उदे नहीं मैं जाना कि नच फर्क की हो जिंदगी रही तो फिर माई लसी वो फिर लैदा टॉपिक। किताब वाला दा उन्हां दा ते रोना बनता है क्यों जहनमी ने, सज्जे हाथ वाले जनती जनती भी रो रहे। पूरी तवज्जो जी, फरिश्ते पूछिया क्यों रोए हो तुसी दे जनती हो? उन्हें क्या सी इस वास्ते रोया, साढ़े को सुबह दा हाई ते शाम दा कोई ना है। शाम दा हाई ते सुबह दा ईरान इराक शाम सऊदिया दूर दी गल। पासपोर्ट बनवाण दे पैसे कोई नहीं, पासपोर्ट बनवाण दे असी तो 8000 अर्जेंट तो दूर की गल है, साढ़े को नॉर्मल पासपोर्ट की फीस कोई नहीं है। क्या 7-8 हज़ार पासपोर्ट का देिए या बच्चों का रिजक लिया भी है? उन्हें कह लो भाई जागना कोटला कासम खा लो, पता नहीं कि अमानत उस तक पहुँच जाए। उन्हें कहा साढ़े को सुबह दाई तो शाम का कोई नहीं, ईरान इराक शाम सऊदिया दूर की गल है, साढ़े को पासपोर्ट बनवाण के पैसे को नहीं। असी नामा माल खोलिया इतने 70 जवारियों का सवाब लिखे है, इत्थे 80 हजां दा सवाब, ना हज ना उमरा ना ईरान ना इराक ना शाम। बोलियो बंदा जिसका बोलन मेरे इमाम नूं चंगा लगता है, उस वेले फरिश्ते आखणगे परेशान ना हो भावें गरीब आए, हाए तो हुसैन दा ज़दार ना। क्या बात है भाई, हुण मैं मुतमईन हो गया बिल्कुल। अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं हुसैन दा ज़दार आई। उन्हें कहा दुनिया च टाइम काढ के हुसैन की मजलस च जांदा रहे हैं, जागना जिहड़े अद्धी राती आ गए तोहफा जे तुहाडे वास्ते। उन्हें कहा बिल्कुल जिथे टाइम लभदा ही जांदे आ। फरिश्तियां कहा जिहड़े वेले दुनियादारी च टाइम काढ के मजलूम की सफ ते जांदा है, तेरे उठण तो पहले आवाज कुदरत आंदी आई, फरिश्तो जिहड़ा हुसैन दे जिक्र च आ गया दे उठण तो पहले दे नामा माल च एक एक हज और एक एक जवारी का सवाब लिखो। मैं सद किया लेकिन याद रखी तेरे ते डिपेंड है, क्या तू जवारी और हज का सवाब लेना या नहीं। उहदे च फिर 2-4 सख्तियां ने, बानी वास्ते भी सुनने वाले वास्ते भी। तुसा ठीक दोवां घरां ने होना है तो जाकर आटोमैटिकली ठीक हो जाना। हुण कुछ ने जिहड़े घरों आके अजे तक परिया ला के बैठे ने, उन्होंने की पता हो अज जवारी का सवाब कि लभना है? बोलो तो सही यार, घरों मजलस से आए हुए हैं।
हर मजलिस चो हज और जवारी का सवाब नहीं लभना, बोलो इंज का ताकि आले दुआले पता लगे कि इंज दी गल्लां ते भी बोली दा कोटला कासम खान वाले, सिर्फ उस मजलिस चो तेनू हज और जवारी का सवाब लभना है जिदे च कराण वाले की नीयत होवे कि मेरी अपनी नुमाइश ना होवे, बतूल की रजा शामिल होवे। मेहरबानी भाई मैं सद क्यों कराण वाले ते डिपेंड है कि वो गल जेन चिकी हो कि किथे मैं ते किथे करबला लिया दा तरस करा के ना अगे मैं बाला कट दिता तो मैं इंज कर दिता, तू की बाला कटना, तेरी तो कंड तो हुसैन एक बार हाथ चावे तेरा तो रंध ही कख नहीं। सुनने वाला घरों ना जेन बना के आवे, मैं उन्होंने सुनना है, ओदी वारी बह के रोना है, तो ओदी वारी मैं बाहर गलियां जमा तफरी करनी है। साबित होया फिर तू जाकर सुन चल, जिक्र सुन नहीं चला, तुसी तो सारे जिक्र पसंद हो ना जेडे अद्धी राती बैठे। अगर मजलिस नूं मजलिस समझ के आवो तो कसम खुदा दी बहुत अजर है। जेडे आए बैठे हो सकता है तो तुसी की समझ दो, जेडे अरबाइन ते नहीं गए तुहानू हुसैन लवारस समझे है। बोल के तईद फरमाओ, मेरा कद छोटा है जुमला वड्डा है, मेरे को ले दुसोना जुमला ही कोई नहीं। कोटला कासम खान लिया याद रखी, गरीबां दा करबला मजलिस हुसैन है। जे इहनू तुसी करबला समझो ते यह गरीबां दा करबला है, जिहड़ा इमाम बार गया ना यह गरीबां दा करबला है। किसी दा लगा कुछ नहीं, हुसैन दा रहा कुछ नहीं। अद्धी राती आके बह गए हो, त्रेई का दिन गुजर गया, रात चौबी सफर हो गए, यकीनन गर्मी चे वास्ते बैठे हो ना, चलो चेलम दी मजलस है, अरबाई ने और सफर दे महीने च वाकई भी दो चार गल्लां बड़ियां याद आउंदियां ने, बाजार दरबार, चलो मैं जुमला आख जावा, सवाल चादर जवाब पत्थर। इंजे फिर भी सफर तो फिर असी चेलम पढ़ने, क्यों तुसी इस वास्ते आ गए, चलो टाइम नाल चेलम मनाइए, जिस भेरावां दा चेलम करना ही शाम दे बाजारां च बेरुलदी। मैं सदके जा साल या डेढ़ साल दे बाद जिंदान थक गए ते कैदी ना थके, जिहड़े अगे पंजी त्री मिनट पढ़िया है वह पढ़िया तुहाडी रूह की गज़ा वास्ते, वह पढ़िया तुहाडे वास्ते कोई पैगाम पहुँचाण वास्ते। असल मकसद हुणे हुण तुसी हाय करोगे ना तो यकीनन अली दी धी परदे च आई बैठी, सैयद साजदीन किसी दे पासे ना लाए हो, तुसी अज दी मजलिस च हाय करोगे तो अली दी चौखी राजी होगी कि भला होवे जे मेरे वीर दे चेलम ते हाय पे कर दिओ, मैनू ते किसे हाय भी ना करन दित्ता। शर्माणा ना अल्लाह जाने अगले साल कोई होवे या ना होवे, रस्सियां गस गईयां नाजक ते नफीस हाथ ना गसे। मैं बिस्मिल्लाह करा सैयदादा तेरी हाय तू सद क्यों वा, मालिक मुश्किलां दूर करे जे। मैं कोटला कासम खान वाले जेडे बुजुर्ग ने एक जुमला ना बुजुर्ग समझणगे, बुजुर्ग जाकर पढ़ते होंदे हन राह थक गए ते राही ना थके। अद रात वेले मेरे इमाम नूं बुलाया सो, सजाद जितना जल्दी हो सकता है मेरी शाम ही चो निकल जाओ। इमाम फरमाया साल होया जिथे बिठाई असी बह गए, जिथे खलवाई असी खलो गए, असी तेनू आने की हाँ, कुत्ता दई तो गल है ना तेरी चुप खा गई है, तेरी चुप ही चितनी पावर है, मैं इंज लगता जिमें मेरी शाम गर्क हो वैसे। अज जाओ कल जाओ परसों जाओ मेरे अलू रहाओ, लेकिन जाने तो पहले मेरिया कुछ इमानत ने तुहाडे कोल। कैसिया इमानत? अदा तेरे गले का तोक हूँ मिजाज मिलाना जी, तेरे बाकर पुत्र दियाँ बेड़ियाँ, उदे हत्थां दे जंजीर, तेरे पैरां दियां बेड़ियां, तेरे हत्थां दे जंजीर। अगले जुमले तो पता नहीं कौन समझे कौन ना समझे, ते हरामजादा दा तुहाडियां परदेदार दे जेवर। सैयद साजदीन आदे ने गले दा तोक भी दियांगा
पैरां दियां बेड़ियां भी हत्थां दियां हाथ कड़ियां भी लेकिन याद रखी यजीद मैं जेवर नहीं देने जड़ियां मेरियां पुफियां दे हत्थां नाल मस होए आदे इसी च राजे फरमाया हां तैयब ताहिर खून ना रस्सियां लगे है सजाद दी गैरत ही गवारा नहीं कर दी मैं रस्सियां भी किसी नूं देवां जड़ियां मेरियां पुफियां दे हत्थां नाल मरहबा जी मैं मुतमिन हो गया इस गर्मी तेरा बह जाना जी इबादत शर्तां मनवाइयां लुट कर बला दा माल सार शोहदा दे अलैहदा मकान बशीर मुहारी आदे जड़ी चीज है मैं देना जड़ी नहीं कीमत पा पता लग जाएगा कितने कितने शिया बैठे है यदि हाय आवेगी मैं समझांगा शिया है नहीं तो मेरा सुन्नी भाई दा ते बह जाना भी अजीम इबादत है आदे जड़ी है देना जड़ी नहीं ओदी कीमत पा रुन्ना तेरा ते मेरा चौथा इमाम आदा कुत्तिया बकवास बंद कर उस बुरके दी कीमत तू क्या दे सकता मरहबा हाय करी मैं तेरे हाय दे इंतजार ही चा ताकि वैन करा मैं लंबा ना होगा सोनी हाय की थी मैं मुतमिन हो गया जिदियां ततहीर दियां कसम अल्लाह कुरान ही चाहिए मैं सदके होवां शर्माया ना करो रज के हाय करिया करो और सादिक आले मोहम्मद आदे ने यह ना वेख्या करो मेरा मूंह डिंगा पे होंदा या की है तुहानू पता ही नहीं सानू कितनी बेदर्दी नाल लुटिया ने आदा सजाद कोई एक मुलक दे लुटन वाले नान छत्ती मुल्कां दे बदमाश अल्लाह जाने कितू कितू दे लुटन वाले आन लुट के लै गया फरमाया कुत्तिया मेरी मां दी है मैं एक एक दे घर लै चलनी हाँ जिन्हें शबीर ने लुटिया बीबी आदि है मैंने एक एक का पता है किदे कोल मेरे बिरा दी मुंदरी है किदे कोल कमीज है किदे कोल कमर बंद ओ मैं सदके जावा यार एडा सोहना माहौल इतनी गर्मी च मैं सदके जिंदा नहीं चाहे पुफी अम्मा मुबारक हो भी मन गया है तेरा बागी नहीं तेरा नमाजी आई सजाद कापी पेंसिल चाह एथे हिसाब कर बागी तू नमाजी सदवांदे हां मेरा खर्चा कितना होया है शियों तुहाडी आए निकल जाएगी मूंह दे बाहर मिट्टी ते जान के आदे अम्मा 53 मामला च त्रै रह गए मरहबा मैं बिस्मिल्लाह करा बुजुर्गो 120 मस्तूरा चो 12 ते 84 बच्चियां चो 9 अम्मा कैदां छुट गईयां अम्मा शर्तां भी मनवाईयां ने अम्मा केड़े पासे चली है वतन रो क्या दी है केड़ा वतन अम्मा इमामत दियां इमानतां भी ते नाने तक पहुंचानियां ने ना बाबे तक अम्मा दो राह ने एक शाम तू सीधा मदीने एक शाम तू करबला करबला तू मदीने औलाद आले बंदे दी हाय निकल जाएगी पुछिया सैन जैनब कोलों में कुट लिया लिया जे बोली अली दी धी नहीं या असगर दी मां दी है पुत्र नु आखी राह ओ अख्तियार करे जिस राह ते सकीना दी कबर आ जाए वाह वाह तेरी आए तू सदके जावा अजे भी कुछ बंदे इंतजार है जो मैं वेखा ते सही तमाचिया दे दाग लै गए या कोई ना या जहरा मैं सदके भाई कोटले वाले बड़ा ही सोहना सुन दियो इंशाल्लाह मां हुसैन दी राजी होवे जे इस गर्मी च तेरा इतना हाए मेरी जाकरी नहीं तेरे अंदर दा दर्द है चल तेरा मुकाम ही आज दसा उसे मुसाहिब च कि तेरा मुकाम क्या है जड़ा मिट्टियां ते बह के हुसैन नूं रोंदा एक काफिला फिर गरीबां ले कब्रिस्तान आया उत्थों फिर आलिया फरमाया सजाद होने कर पहले ना करबला चलीए दो वजह ने एक ते मैं भाई दी जवार बना आए ताकि आवन आलिया नस्लां मैं जैनब दी सुन्नत अदा करके हुसैन दी जवारी करन ते दूसरा मैं हुसैन दा चेला मनावा सजाद मैनू इंज लगता है 1.5-2 साल हो गए ने जिवें लाशां अज भी धूप ते पईयां ने तुसीं ते टाइम नाल बना लिया ना चेला एक काफला फिर करबला आले पासे टुरिया लो जी इदू जल्दी नहीं हो सकता जात बाकी मुलाकात बाकी करबला तू 2 मील दूर आण कितने महमल च आवाज आई है सजाद बेटा जी अम्मा बेटा करबला करीब आ गई है
अम्मा तुहानू किवें पता लग गया? फरमाया मैनू अकबर की खुशबू आवन लग पई। हाय हाय भला भी जिस हाय की थी। इदो मां पुत्र गल्लां पे करदे ने, इदो पेशावर जमींदार। लो भाई सर चाहो तुहाडा मुकाम दसा, जिहड़ा मिट्टी ते बह के रोंदा है आलिया की नज़र च, उहदा मुकाम की है? ये बेलचे नाल जमीन हमवार पिया करदा है। अगौर नाल वेख्या सुत्रै महमल, दो मुहारी, एक दी कमर झुकी हुई है, दूजे दा सन छोटा है। मोमना ही किसी होर पासे जेन टुर गया सू। चलो मैं गल खोल देवा, बहाना खेतीबाड़ी दी आई, असल काम आई जंगलों च हुसैन नूं रोंदा ही। आदा मेरे अल्लाह ए मुसाफर दे वतना ते पे वेंदे ने, कदन मैं भी सुन सा जो अली दियां दियां शाम दियां कैदां निभा के मरहबा मदीने टुर गई। इहदी गल करनी, आलिया दा महमल च आवाज़ आया, सजाद महमल रोक, अम्मा साडी मंजिल 2 मील दूर है। फरमाया नहीं, अज दे बाद मां ते पुत्र दी ओही मंजिल है जिथे कोई तेरे प्यू दा रोण आला है। हाय हुण मुकाम वेखी, मैं मर्दां च बोवांगी। मेहरबानी मेरा भाई जिस हाय कीती है, मैं तू मर्दां च बोवी, मैं परदेदारां च बोवांगी। ते नाले इंज दे मैनूं चोखे प्यारे हुंदे नहीं, वेख दुनियादारी तू बयान बेनियाज होके प्यार हुंदा ही। सजाद जा हाँ औखा सौखा, एक बारी इहनूं मेरे मामल दे करीब ते लै के आ। अम्मा मैं लै के आ, सर चा अपना मुकाम वेख। अम्मा मैं लै के आना, इसनों आखना की जे? फरमाया मैं दा शुक्रिया अदा कर, गल मैं कर गया, तेरा मुकाम वे खली दी दी तेरा शुक्रिया अदा। सजाद सख्त ना बोली, तरला करना पे तरला कर ले, मिन्नत करनी पे मिन्नत कर ले। एक बारी मामल दे करीब लै गया, इमाम दे पहुंचन तक इस इलाके वाले जाफर मिट्टी ते बैठ चुका है। ये जाफर आजादार की हालत केड़ी है? जानू बुलंद ने, जानू उत्ते हाथ है, हाथ उत्ते मत्था है। ते मेरे इमाम करीब आके आदे ने, रोमन आला मेरा सलाम होवी। एंसार चा के आदे, अलैका सलाम या अय्यो हज़ईफ। मेहरबानी जिन्हें समझ आई है। चिट्टी दाड़ी आला मेरा भी सलाम। इमाम आदि ने भूल गए हैं, ज़ईफ नहीं मैं बीमार हाँ, ढेर पड़ गया तुहाडी मुहब्बत विच। एक वैन सुनो जी, आदा बीमार है तो अपनियां बीमारियां दा इलाज करा। जिन्हें हुण हाय ना कीती मैं समझांगा मेरे नाल उहने 35-40 मिनट सफर ही नहीं किया। अपनियां बीमारियां दा इलाज करा, सैयद आदा हकीम ही कोई नहीं है। हुण हाय कीती है ना, आदा गरीब है? सैयद आदा नहीं, जे गरीब है मेरे नाल टुर, साडी बस्ती दा एक हकीम है जिहड़ा गरीबां दे मुफ्त इलाज करदा है। सैयद आदा तेरी मेहरबानी, मैं गरीब नहीं, मैं कायनात नूं वंडण आला। आदा जे एडा ही अमीर है तो फिर मर्जा का इलाज करा। आदा आख्या ना बीमारी ला इलाज है। आदा 2 मील दूर पे वेने, बड़े चंगे वेले ना ला गया, लोग इनू जंगल ला दें, ये जंगल दी ये मोला बन गई है। इतने उस उत्ते पेन जेड़े ला इलाज मर्जा का इलाज कर देने, और शीया ही नहीं जिदी आए ना निकले, जा तुकर बला जा, तेरिया बीमारियां मुक। वैसे रुन नहीं बा करदा बाबा ते रो गया दा, रोवण वाला तेरी मेहरबानी। लोग कर बला वेंदे ने, उन्हां दियां बीमारियां मुकदियां ने। कायनात दा कल्ला गरीब मैं आ, जदन मैं पहुंचना मेरियां होर वध वे। वाह 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 वाह, शाला अली दी धी राजी होगी। हैरान हो क्या दा, कियो जिहा मरीज है जिदियां मर्जां दा इलाज कर बला भी कोई नहीं। चल फिर दस तेरी बीमारी दा नां की है? सैयद आदे मेरी बीमारी का नाम गैरत। थोड़िया बंद आए की थी है ना, गैरत कितों लगी है? सैयद आदे बाजार चो घुट लिया लिया, बाजार ते गैरत का नाम आया। जाफर मोमन का दिल हल गया। आदे चिट्टी दाड़ी आला वल ना पा, सीधा सीधा दस तेरिया बीमारियां केड़िया ने। मेरा इमाम आदे सुन, मेरी पहली बीमारी मेरी मां दा बुरका, 80,000 बदमाश मजमे चलत। दूजी बीमारी ए दा मुहर्रम दी डीगर आई, मेरे दा मन नूं छिक्की लगी आई, मैं मुड़ के डिठा मेरी बहन दे वाल खुले होया, रो रो के आदि आई सजाद, कोई वास लगदा ई तला प्यो दा कातल मेरा दाज लुट के।
तीसरी बीमारी है दा मुहर्रम दिड़ी गराई मेरी चौं सालां दी भैण आई हरामजादे तमाचे भी मार दे रे या जहरा इमाम आदने मैनू छोड़ दो क्यों प्यारो नया दे मेरा कोई नुकसान हो गया सैयद आदा डसावियां मते तेरा मेरा नुकसान ही कोवे आदे नहीं नहीं मेरा कोई जाती नुकसान है सैयद आदे जाती नुकसान होवे लोग घर इंच बह के रोंदे ने इंज टिबिया ते नहीं रोंदे आदे नुकसान ही हो जाए जंगलां च भी रोना बाजार च भी रोना जिते वास लगे मैं उत्थे रोना जेड़े मातमी आए बैठे हूं बेलचा जमीन ते सट के जाफर हो रुने सजाद गल च बई पा के आदि ने ना छुपा ओ जेनो जंगलों च प्यारो नहीं ओदियां भेड़ा दा वास्ता ही सच्ची दसा सैयदादियां दा नाम आया बेलचा जमीन ते सट छोड़िया है आदे मर जावा परवाह कोई नहीं सुन मेरा मुर्शद आई जेदा नाम आई हुसैन इबन अली ता मुहर्रम दी डीगर आई इसे करबला दे हिते च मेरा ते पुत्रा रले मारा गया है यारा मुहर्रम दा दिन चढ़िया है शाम दे कमीने लोग ओदियां भैणा कैद करके शाम आफरीन 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 तुहाडे काफले ते निगाह पई है मैं क्या मेरे अल्लाह कोई मुसाफर वल्ले वेंदे ने कदन मैं भी सुन सांजो अली दियां दियां शाम दियां कैदां निभा के मदीने टुर गईयां सैयद आदे मेरा काफला उन्हें मामला च मेरिया परदेदार पुफिया ने हैं सैयद आदे तेरे को थोड़ा जा वक्त होवे उन्हें मामला ते टुर दर्दां दा कुरान सजा दे अल्लाह जाने केड़े दर्द नाल मिन्नत कीती है अगे अगे इमामे जमाना टुर पे ने पिछे पिछे जाफर मोमन टुर पे है कोटले आलिया पहले मामल दे पावे थले कलो के मेरा इमाम प्या दे अम्मा मोमन आ गई आई बामल चवाद आई है सजाद इनू आखो वैन करे जेड़ा कला प्या करदा है ए मेरे इमाम दी आवाज आई है रोमड़ाला मेरी पुप्पी पिया दिया ओ वैन कर जेड़ा कलियां प्या करदा है ए याद है मेरी अल्लाह कोई मुसाफर वल्ले वेंदे ने कदन सुन सां जो अली दियां दियां मदीने टुर गईयां इस वैन कीते आलिया दे महमल चवाल खुल गए ए चुप होया है मामल चवाद आइए सजाद इनू आकी कवेन होर करे मैं जन्नत दी जमाना मरहबा मरहबा मेरे इमाम दी आवाज आई रोवन आला जन्नत सस्ती हो गई आदे की आखना चाहना आदे मेरी पुफी पिया दिया हूं जेड़े मातमी बैठे हो एक वैन होर कर मैं तेरी जन्नत दी जामना ओ कोट लिया लिया जन्नत दा नाम आया है मुंह दे बार जाफर मिट्टी ते जान पिया है आदे जंगला च जन्नत दे दावे पे करें दिए कोई ज़ैनबे मरहबा जेड़े वेले आखे ना कोई ज़ैनबे कोई बतूल दी दीए सजाती आवाज आई है मर्जी अपनी करनी अठारह बेरावां दी बहन तेरे पीर दा पुत्र सजाद मैं आदे मैं नहीं मान सकदा साडा ते चवियां सालां दा जवान आई तेरी कमर झुकी हुई है मातमियों कमर झुकण दा नाम आया है हुण रुने तेरो रो के आदे मेरी अकबर कमा मातम ओ तरोड़ गया है ओ मेरा थी गया चमा शर्मा ते ना ना जे रो पिया ते वैण करा फिर अच्छा मातमियों जे सारे हाय करो ते मैं वैण करा आदे मौला मन लिया बिरा बिरावां दी कमर दा जोर आंदे न मौला चवियां सालां च दाड़ी किवें चिट्टी होई आ हुण रुने तेरो रो के आदे डिठी मां टुरदी या हुसैन ओ बाजार विच गई दाड़ी रंग बदलाए डिठे वीर दे कात अच्छा अच्छा मैं तो समझ आई थक गयो सो हुण आखो ते वैण होर करा घड़ी दे दो मिनट मेरे आले पासे वेख इंज हाथ बन ले आदे मौला इजाजत दियो ते मैं बस्ती आलिया नूं बुलावां अल्लाह जाने बा करदा बाबा हां करदा या ना
पहले मामल जवाद आइए मना ना करे मैं ता सिकदी वदियां मैं ते दीकदी कलोतियां मेरे वीर दा कोई मुकानी आवे सजादा दे जा फरवान जाके बस्ती आलिया नु दस अपने मकान दी छाती आया याद बाद इच कोई बंदा इतराज ना करे जो जाफर नहीं दसिया अली दियां दियां साडे वतन दे बाहर आ गईयां ने तुसा हाय ने कीती अज अगर कोटला कासम खान चलान होवे जो बाहर अली दियां दियां दे मामला आ गए ने के समझदे हो तुसी चुप रहो कियामत बरपा होवे सी जाफर दी गल मुकदी गई है मर्द लैदा दौड़े न मस्तूरा लैदा दौड़ियां ने मर्द सजाद नु आके मुकाना दें दे रहे हैं मस्तूरा आलिया नु मुकाना दितियां ने जेड़े मातमियों सजादा देने उससे बस्ती चु तीसरा मातमियां दा हल्का बाहर निकलिया है आते ने मैं डिटा की है चार या पांच साल दिया बचियां ने जिन्ना मोदे संदले बदे होए न मैं क्या मेरिया दिया मेनू मिलो आदिया ने मोला तुहानो मिलन नहीं आईया सजादा देवत आलिया नु मिलो आदिया ने रुली होई से असी तेन भी मिलन नहीं आईया सजादा देवत के नु मिलन आईया बच्चियां रो रो के आदिया ने ओ क्यों नहीं आई या हुसैन आयो शाम विच जे ओ की कै ले आओ जुलजना आयो निभाई ओए असां वेख रहियां तुहाडे काफले विच वो आ जाओ लै चेल मिना मजलूम दी सवारी मैं एक एक वैन कर देना उन्होंने साल दी हसरत है यो जुलजना जिन्हों आखरी वेले शबीरा दे मैं ले बैठा मेरी मुक गई है तू वल वज मांगा तो जिमें मैं लथा पिछे सरकारे वफाद आया लमे यो अलम जदन खाली गए में चाया है अली दीदी याद दिए मैं कोई नहीं जामन तुहाडे पर दियां दी हुण हर कोई होदा निगराने मेरा ले गया बुरका पिछे सजादा जनाजा है अब्बा कर प्यू दे जनाजे ते आखरी वेले रो रो के आदे रात बंद चा कर आयो यकीन दी पिया टुरदा है दुनिया तो सारे हाय कर लेना मैं मिंबर छोड़ा सजाद कफन च रो रो के याद नाई जोड़ बजा रिते ज़ैनब दा बेवास बाजा मातमे हुसैन